आचार्य गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रुच फातिमा शेख है। मैं कक्षा 2 की छात्री हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है एक शेर और एक चूहा। एक जंगल में एक शेर सोया हुआ था। एक डरपोक छोटा चूहा अचानक उस पर आया। उसके डर और जल्दबाजी में शेर के नाक के पर भाग गया। उसके झपके से जागते हुए शेर ने छोटे जीव को मारने के लिए गुस्से में अपना विशाल पंजा उस पर रख दिया। मुझे छोड़ो, गरीब चूहे ने विनती की, कृपया मुझे जाने दे और किसी दिन मैं निश्चित रूप से आपको चुका दूंगा। शेर यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि एक चूहा कभी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह उदार था और अंत में शेर ने चूहे को जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर अपने शिकार का पीछा करते करते एक शिकारी के जाल में फंस गया। स्वयं को मुक्त न कर पाने पर उसने अपने क्रुद्ध भारी गरजने से वन को भाग दिया। चूहा आवाज जानता था, इसलिए जल्द ही शेर को जाल में संघर्ष करते हुए पाया। एक बड़े रस्सियों में बंधा हुआ शेर बंधा हुआ था और जल्द शेर को जाल में अपने दांत से कुतर कर शेर मुक्त हो गया। तुम हंसे जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें चुका दूंगा। शेर ये सो मैं तुम्हें चुका दूंगा। अब आप सब भी ये देखे कि एक चूहा कभी शेर की मदद कर सकता है। कहानी की नैतिक शिक्षा, एक दया कभी व्यर्थ नहीं जाती है।